नमस्कार, P3 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि 28 जून को P3 न्यूज ने एक खबर ब्रेक की थी। खबर वो थी कि धनबाद की एक दंपति जो है सो रांची में अपनी बेटी और दामाद के हत्या के आरोपियों को न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की धमकी देकर जा चुकी थी। P3 न्यूज ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और खबर चलाने के बाद उन लोगों को DGP के पास भेज दिया। DGP ने इस मामले में पूरा संज्ञान लेते हुए ना सिर्फ धनबाद SSP को फटकार लगाई बल्कि उन्हें तत्काल ही आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। P3 न्यूज इंडिया के इस मुहिम पर DGP ने मुहर भी लगाई और सरायढेला थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। यह हमारा इम्पैक्ट है। हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि P3 न्यूज इंडिया लोगों को न्याय के दिलाने के लिए हमेशा अग्रसर है। दूसरी दिगर बात यह है कि उन लोगों को FIR दर्ज होने की सूचना प्रॉपर ढंग से नहीं दी गई। इस वजह से दोनों दंपति आज 2 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे गोंदा थाना पुलिस ने नाकाम कर दिया और उसे सुरक्षित अपने थाने में ले आई। इसके बाद गोंदा थाना पुलिस ने सरायढेला थाना पुलिस से संपर्क किया और सरायढेला थाना पुलिस रांची आई और उन दंपतियों को अपने साथ धनबाद ले गई और आगे की कार्रवाई धनबाद में ही होगी। धन्यवाद।